हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? और एक नया वीडियो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, और आज मैं आप लोगों को मेरी जादू की पुड़िया दिखाती हूँ। मतलब मेरे लिए जादू ही है वो, और मेरी हर एक वो होते ना कि तकलीफ और कोई भी दिक्कत होती है, हर एक चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाती है। आप लोग वीडियो में देखोगे ना, तब आपकी आँखों में भी आंसू आ जाएंगे। मतलब कि आप लोग भी अपनी उस चीज़ को फील कर पाओगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारी है। तो चलिए फिर, मैं वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और सबसे पहले आप लोगों से बोलूँगी कि आज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरी नैनी जो है वो अपने छोटे छोटे हाथों से किस तरीके से क्या करने लग रही है। तो हम सुबह उठे थे, मैं बाहर का काम कर रही थी, इसने ट्राईपोड में फ़ोन लगाया, और जब मैं क्लिप एडिट करने लगी ना, तब मैंने देखा कि ये क्लिप्स भी उसमें थी। फिर मैंने सारा व्लॉग एक बार देखा, उसके बाद में मैं एडिट करने लगी हूँ। तो देखिए, इसने अपने छोटे छोटे हाथों से किस तरीके से ये सारे बिस्तर फोल्ड कर दिए, और ये बहुत बार करती है। मतलब जब इसकी छुट्टी होती है ना और मूड होता है तो दोनों बहन भाई शुरू हो जाते हैं। सिवान छोटे मोटे काम करेगा, जैसे बर्तन वगैरह रख के आ जाएगा, इकट्ठे कर देगा। और ये जो है ना, ये जैसे बड़े लोग होते हैं ना, वैसे अपना पूरा जो होता है ना कि एकदम पूरा माइंड सेट जो है ना, एकदम वो जैसे हम लोग लग जाते हैं डीप क्लीनिंग में, वैसे लग जाती है। तो यहाँ पर आप खाली अलमारी पे देखिएगा किस तरीके से क्या क्या करती है। मैंने ये क्लिप देखी ना तो मुझे भी हंसी आई है। देखो, पहले इसने अरेंज किया, फिर उसने दोबारा से प्रेस उठा के रखी, वो इसको अच्छी नहीं लग रही थी, फिर ये सारी चीज़ें इसने इधर रखी, फिर उसके बाद में शीशा ऐसे रखा, आप जाते टाइम इसको उल्टा रखेगी। मतलब बहुत देर लगाई इसने अपना सारा सिस्टम सेट करने में, और मतलब काम बहुत अच्छा किया। मैं ये नहीं कह रही काम अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसने कितनी अच्छे से सफाई की है, और ये सारे बिस्तर अब दोबारा से ये यहाँ पर अरेंज करेगी। और पता है, मुझे कैमरा सेट नहीं करना आता, लेकिन इसको आता है। यहाँ पर ये कपड़े फोल्ड करने आई थी, पता है, और लेकिन फिर शायद इसका मूड वो होता है ना कि काम करने का, कपड़े वाला, कपड़े फोल्ड करने में इसने इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे थे, तो इनको इसने ऐसे ही छोड़ दिया और अपनी झाड़ू उठा ली। और आज सुबह सारा ये अंदर का जो घर है ना, ये मेरी नैनी ने अरेंज किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं उठते ही बाहर लग गई थी, जैसे काम था बाहर जो। तो ये देखो, मेरी जादू की पुड़िया ने पूरा साफ़ कर दिया है। आप चारों तरफ देखोगे तो एकदम साफ़ सफाई हो चुकी है। बहुत मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े बड़े होकर भी अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते, लेकिन ये छोटी सी बच्ची है, देखो इसने कितने अपने प्यार से, अपने छोटे छोटे हाथों से सारा घर क्लीन कर दिया। कपड़े इसने छोड़ दिए क्योंकि इसका मूड नहीं था, ये छोड़ के आ गई बाद में बाहर। और ये देखो, मैं बर्तन साफ़ करने लग रही हूँ। और मैं सुबह पहले ना, ये बाहर वाला जो एरिया था ना, जिसका मैं बोल रही थी लास्ट व्लॉग में आप लोगों को, उसको साफ़ करने लगी थी। मैंने सोचा कि बाहर धूप आ जाएगी, अंदर तो छाया ही है, अंदर का तो कभी भी कर लेंगे। तो मैंने इन लोगों को नाश्ता वगैरह करवा दिया था, उसके बाद में मैं बाहर आ गई तो इसने सारे बर्तन इकट्ठे करके ना गेट के अंदर रख दिए, रूम के गेट में। मैंने सोचा चलो बर्तन और साफ़ कर लेते हैं, नैनी ने इकट्ठे कर दिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने अच्छे से ये सारा घर भी अंदर का जो है वो क्लीन करके रखेगी। जब मैंने अंदर आया तो देखा कि हाँ, इसने तो सारा काम कर लिया, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मतलब पता है ना कि हम रोज़ करते हैं, आप सोच के देखिएगा, आप रोज़ करते हैं, अकेले हैं और आप रोज़ कर रहे हैं वो सारा काम, और फिर अचानक से एक दिन आपकी बेटी आपकी हेल्प कर दे इतना सब कुछ करने में। और जिसके लिए मतलब मैंने तो अभी वो भी नहीं सोचा भी नहीं था अब तक, अभी 5-6 साल तक नैनी इतना कुछ मेरा कर पाएगी, लेकिन उसने इतनी जल्दी हर एक चीज़ में इतना इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो अच्छा लगा। वो होता है ना कि एक भावुक सी हो गई थी मैं। और यहाँ पर ये किचन का प्लेटफॉर्म लगा रहे हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यहाँ पे एक कमेंट आया था पहले भी, मैंने एक दिन नैनी जो है ना वो बेड सही कर रही थी तो वो क्लिप ऐड की थी इसमें, इसको अच्छा लगता है, इसकी छुट्टी होती है उस दिन ये करती है, जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन नहीं करती। तो उनका कॉमेंट क्या आया था कि नैनी का इंटरेस्ट पढ़ाई में रखो, घर के काम तो ज़िंदगी भर चलेंगे। तो मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगी वैसे, लेकिन मैं उनको एक बात कहना चाहूँगी, जैसे उन्होंने अपनी राय दी इसी तरीके से मैं अपनी एक राय देना चाहूँगी। देखिए, पढ़ाई बच्चा चाहे जैसे टाइम निकाल करके कर लेता है, मतलब इतनी उम्र नहीं है, नैनी जितने बच्चे की इतनी उम्र नहीं होती कि उसको हम फोर्स करें। हाँ, मैं उसको पढ़ाती हूँ, रोज़ उसको रूटीन में बिठाना, उसका जो डेली का वर्क होता है डेली बेसिस पे करना, अपना लर्न का भी और अपना रिटर्न का भी। उसके अलावा डबल प्रेशर जो हम 9th 10th के बच्चे को देते हैं वो मैं नहीं देती। बाकी वो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, वो अकॉर्डिंग मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग, ड्राइंग भी करती है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो साइकिलिंग भी करती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो बाकी घर के काम भी कर दिए। मैंने उसको कभी झाड़ू लगाना नहीं सिखाया, मैंने कभी उसको बेड सेट करना नहीं सिखाया, कपड़े फोल्ड करना नहीं सिखाया, लेकिन वो सारे काम अपने आप कर लेती है। मतलब बच्चा अपने आप अपने हिसाब से कुछ करता है तो अच्छी बात है ना।
ऑडियंस ने बता रही हूँ किन्ने लगा लियो, मतलब क्या कह रहे हो किन्ने फोन, जद भी मैं मेरे पीर फोन लगा लियो और कुछ नहीं होने लग जाएगी क्या, तो बीच बीच में काम याद आएगा, सपना आ रहा है आप पीर फोन लगा बेरो चल रहा ना सगलो सह क्या को ज्ञान है ताने बामण बुझा खड्डा में। हाँ तो जदी तो मैं फोन नहीं लगाऊंगी, उस पहले लमार लग जाएगा, यो काम वो काम सगड़ा काम याद आ जाए, सारा आदमी की खासियत से लुगाई बात करती दिख जाए बस मैं सारा काम याद आ जाए। मन को रंग लगवाना, हाँ इसी पुंडी से कल मेरी देख लो मारूंगी। खुद का तो कर ही रखे यहाँ पास सीमेंट सेट हो जाएगी, लगाओ जाना तो घोड़ के दे दो मसाला आपने। कौन सा घोड़ के दे होगा तो जी, यहाँ पर आपने सुना अभी शर्मा जी कह रहे थे कि ये मसाला जो है ये एक्स्ट्रा बचा हुआ इसको घोल के दे देता हूँ तू लगा दे, मतलब वो थोड़ा सा था लेकिन उसको थोड़ा सा ये पतला करना था, वैसे वो मसाला एक्स्ट्रा बना हुआ था वो सूख जाता ख़राब हो जाता, तो इन्होंने बोला कि तू इसको कहीं लगा दे। और ये हमारी सीढ़ियाँ जो है ना ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से हैं, तो थोड़ा थोड़ा जब भी मसाला बचा है हमने इन्हीं में लगाया है, और लास्ट डे एक दिन वो होता ना पतला सा सीमेंट का घोल बना के इनके ऊपर अच्छे से पॉलिश वगैरह पॉलिश के तरीके से कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप मिला दीजिए मैं कर लेती हूँ, तो उसके बाद में वो जो था ना मसाला वो मैंने सोचा चलो मैं एक बार, तो इन्होंने वो बता दिया था मेरे को कि इस तरीके से मिलाना है, मैंने कहा चलो मैं ही मिला देती हूँ क्योंकि ये चले गए ये लग गए थे इसमें, ये सामने जो पत्थर कट रहा है ना इसमें, तो मजदूर आजकल आ नहीं रहा है ना तो फिर यही हेल्प करवा देते हैं सारी। और ये पत्थर काटने का काम जो है ना यार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब एक मैं और शर्मा जी आपस में बातें करते रहते हैं कि कितनी मेहनत इन लोगों को करनी पड़ती है धूप में और इतनी डस्ट में काम करना पड़ता है, डस्ट जो होती है ना वो इंसान को कई बीमारियों के लिए मतलब तैयार कर देती है, डस्ट से मेरे जैसे इंसान को तो सबसे पहले तो नज़ला ही हो जाए क्योंकि मुझे अभी भी दिक्कत हो जाती है धूल से, तो हम दोनों इस मामले में बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर शर्मा जी मेरी ये जो है ना परात ये ले आए हैं और इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा पतला कर दिया था तो इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला और मिलाया है, और अब मैं यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ हैं ना इनके ऊपर लगाने के लिए बैठ गई हूँ ताकि ये सीढ़ियाँ जो है ना इनमें थोड़े थोड़े छेद हैं, तो ये छोटे छोटे छेद आपको दिख रहे होंगे ना, इसमें प्लस्तर नहीं हो रखा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लगा देंगे जो भी मसाला बचेगा, तो अलग से नहीं करना पड़ेगा एक तो, और एक मसाला ये वेस्ट नहीं जाएगा, नहीं तो ये फेंकना पड़ेगा तो इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना क्यों फेंके, अपन कोई भी चीज़ ख़राब नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये मसाला सीढ़ी के यहाँ पर ऐसे लगा करके और मैंने इसको थोड़ा सा प्लेन कर दिया है, और जो होता है ना कि वो एकदम बढ़िया वाली सफाई आना वो आएगी इसमें बाद में, क्योंकि ये सारी सीढ़ियाँ जब काम दो तीन दिन हो जाएगा ना एक दिन बहुत अच्छे से मसाला घोल के सारी सीढ़ियों को मैं एक बार फिर से रिपेयर कर दूँगी और इनके ऊपर सीमेंट की पॉलिश कर दूँगी, तो इनमें अच्छी सी शाइनिंग भी आ जाएगी और ये गंदी नहीं लगेंगी। और मेरा विचार है जो आप देख रहे होंगे ना मेरे पीछे की साइड में बैक साइड में इधर वो रखा है ये दीवार है, इसके ऊपर भी सीमेंट जो है ना वो उसके ऊपर की, बीच में फिर से पत्थर काटने के लिए मशीन चला दी थी तो मैंने वॉइस बंद कर दी, और सारी वीडियोज़ जो है ना आजकल ऐसे ही एडिट करनी पड़ती है, मतलब बीच बीच में जब भी टाइम लगता है ना, और मेरी वीडियोज़ दिन में जाती हैं तो फिर मेरे को टाइम नहीं लगता तो मैं दिन में ही एडिट करती हूँ, वैसे रात में तो आराम से कर सकते हैं रात में कोई साउंड नहीं होता एक्स्ट्रा, लेकिन फिर बस यही है कि टाइम भी नहीं लगता, तो जब भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है मैं अपनी वीडियो एडिट करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर ये सीढ़ियाँ जो हैं इनको इस तरीके से अपने रिपेयर कर लूँगी और काफ़ी अच्छा लुक इनका हो जाएगा, तो थोड़ा सा सूख गया था उसके ऊपर थोड़ा पानी मार लिया है, और मेरी कोशिश है कि जैसे अब की बार अगर इतना बखेड़ा बिखर ही गया है तो छोटे मोटे जो भी इस घर में काम है वो सारे निपटा ही लूँ, चाहे खुद करो चाहे मिस्त्री से करवाओ, लेकिन मिस्त्री से तो बस भाई वो ही है कि पैसे लगेंगे, तो उससे अच्छा है कि खुद ही कर लेंगे, छत भी फूटी हुई है ना कई जगह से तो वो भी मैंने सोचा है कि खुद ही कर लेंगे क्योंकि मिस्त्री तो सारे हट ही चुके हैं, बस एक ये टाइल वाले भैया हैं तो ये अभी आ रहे हैं, तो ये टाइल वगैरह लगाने के बाद में किचन जब कम्प्लीट हो जाएगा तो ये भी चले जाएंगे, तो अगर टाइम लगेगा तो इनसे करवा लेंगे, इनके पास नहीं तो एक्स्ट्रा मजदूरी नहीं लगाएंगे उसकी, हम खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मसाला बचा था लास्ट में इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है, अब देखते हैं ये दो सीढ़ियाँ बच गई
दो ही बची हैं मतलब बीच बीच में, तो ये वाली जो है इनके लिए अलग से कभी मसाला बचेगा तो मैं लगा दूँगी। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड भी करेंगे, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।